उम्मीद, क्या किया है तुमने ये? झूठ बोलने की सजा यही होती है। चाचू के नंबर ही दे देते। हाँ, ताकि घर में पता चल जाता। एटलीस्ट यहाँ से तो बच जाते, पर घर में फंस जाते। बचेंगे तो अब भी नहीं। अच्छा तुम दोनों चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। उम्मीद प्लीज तुम कुछ मत सोचना, मेरा हाय कुछ प्लान कर लेंगे। शाबाश, तीनों यहाँ पे हो। अब बताओ कैसे हुआ ये सब? लाल पाशा, वो किस मुसीबत में फंस गए हम? पता नहीं पाशा साहब। पाशा साहब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम कहाँ ढूंढें उनको? यही तो परेशानी है कि अब करें तो करें क्या? देखिए आप अभी ना कोई सवाल जवाब ना करें हमसे, बस एक एहसान कर दें, पाशा साहब को कॉल करके कह दें कि हम आपके साथ हैं, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज प्लीज एक कॉल कर दें। हम थाने चलते हैं। थाने? हाँ, थाने जाके ही कुछ पता चल सकता है। चले चले। एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कौन? फरजाद बात कर रहा हूँ। हाँ फरजाद बेटा बोलो। अंकल मैंने सोचा आप परेशान होंगे, आपको कॉल कर लेता हूँ। अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? वो दरअसल बच्चे अंकल हमारी तरफ हैं। अच्छा तुम्हारे घर है सारे बच्चे? देखो फरजाद बेटा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, आपको तो मुझे इत्तला करनी चाहिए थी। अंकल बस वो रौनक लगी हुई थी, हंसी मजाक चल रहा था तो याद ही नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा खैर छोड़ो, किसी से बात करवाओ मेरी। जी अंकल मैं करवाता हूँ। अंकल बच्चे जरा डरे हुए हैं, आप बेफिक्र रहे, मैं एक घंटे तक इन्हें खुद घर छोड़ के जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना, बहुत परेशानी हो गई थी आज। जी जी आप बेफिक्र रहें, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सारे बच्चे फरजाद के घर पे? वहाँ? हाँ जी। मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं? किसी का फोन बंद, किसी का सिग्नल नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से। नहीं तो उनके साथ सबके फोन क्यों ऑफ है? कमाल है। खैर वो अभी एक घंटे में फरजाद कह रहा है घर आ जाएंगे।